एनडीए की संकल्प रैली खत्म होने के साथ ही बिहार में सीटों को लेकर दोनों गठबंधन में इंतजार की घड़ियां भी अब समाप्त होती दिख रही हैं। बिहार में सीटों की घोषणा व सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की संकल्प रैली का इंतजार किया जा रहा था। अब सीटों को लेकर दोनों गठबंधनों में बात आगे बढ़ेगी। महागठबंधन में अब तक सीटों की संख्या घोषित नहीं की गई है, जबकि एनडीए में सीटों की संख्या निर्धारित कर ली गई है, पर लोकसभा क्षेत्र का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। ऐसे में दोनों गठबंधनों पर दबाव है कि वे जल्दी सीट शेयरिंग की घोषणा करें। एनडीए की संकल्प रैली के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के बीच लोकसभा क्षेत्रों की घोषणा भी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू, बीजेपी के बीच 17-17 सीटों के बंटवारे और एलजेपी को 6 सीटें देने की घोषणा साझी रूप से 23 दिसंबर को ही हो चुकी थी। इसलिए अब एनडीए में शामिल दलों के नेता और कार्यकर्ता ये जानने के उत्सुक हैं कि किस लोकसभा सीट के किस दल का उम्मीदवार मैदान में आएगा। ये माना जा रहा है कि एनडीए के शीर्ष नेता एक एक सीट को लेकर गंभीर मंथन करने के बाद जल्द ही घोषणा कर सकते हैं। इधर महागठबंधन सीटों की संख्या निर्धारित नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के बाद दिल्ली में आप ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बिहार में राजद, आरजेडी, आरएलएसपी, हम, वीआईपी, वाम दलों के बीच अब तक सीटों को लेकर ठोस निर्णय नहीं हो सका है। महागठबंधन में दो स्तर पर काम किया जाना है। पहले हर दल के बीच सीटों की संख्या निर्धारित करना और उसके बाद लोकसभा क्षेत्र का बंटवारा करना है। महागठबंधन की ये कोशिश थी कि एनडीए के संकल्प रैली के बाद ही सीटों की घोषणा हो। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को अहम माना जा रहा है। प्रदेश कार्यालय में सबसे पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। वहीं खबरों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि खुद पार्टी आलाकमान को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। आलाकमान जल्द ही सीटों को लेकर इसका खुलासा करेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी सहयोगियों को छोड़कर जाने का इंतजार किया जा रहा है। विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी के द्वारा जो संकल्प रैली चलने का जगह नहीं है। जिस तरह से पब्लिक का उफान है, जनता का उफान है, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया है लगातार, मेट्रो का, जितना सड़क, पुल, पुलिया, बरौनी में खाद कारखाना, बिहार में अनेकों काम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश काम कर रहा है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ता बिहार के नीतीश कुमार जी जो 18 घंटा काम कर रहे हैं, ये बिहार की जनता देख रही है। कोई सबूत की जरूरत नहीं है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उनको कोई, इन लोग से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने सही ही कहा है, बिहार की जनता वाकई न्यायप्रिय है, इसलिए तो उनके सामाजिक न्याय के जुमले की हकीकत समझकर सत्ता छीन ली। जनता ने भ्रष्टाचार की योजना को देखते हुए पूरे कुनबे को औकात यूं ही नहीं दिखाई है। लाख झूठ बोलिए, आपके लिए अंतिम शब्द केवल हार है। सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद वाकई पान की गुमटी पर ही भीड़ इकट्ठा करने योग्य हैं। ये तो एक दो दिन में साफ हो जाएगा कि एनडीए और महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा। ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।